तो चीन को किस बात की चिंता सता रही है और क्यों चीन की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हुए थे शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी, और वहां पर जिस तरह से उन्होंने विकास की बातें की हैं, करोड़ों के फंड की वहां पर बातें की हैं, इस बात को लेकर चीन डर गया है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिन्हा साहब, एनएसजी को भी इससे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं नाराजगी चीन की एनएसजी के मुद्दे पर भी है, भारत को जिस तरह से ओबामा का समर्थन मिला था। आपने सही कहा शिवानी जी, जब हम एनएसजी की बात करते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, तो कुछ विदेशी शक्तियां नहीं चाहती हैं, जिसमें चाइना सबसे प्रमुख है, कि हिंदुस्तान एनएसजी का मेंबर बने, क्योंकि एनएसजी का मेंबर बनने से जो हमारी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर शक्ति की जो प्रोलिफरेशन है वो बहुत आसान हो जाती है, और कुछ ऐसे ऐसे फैसिलिटीज और प्रोविजंस आते हैं हमारे हमारे साइड में, जिससे हमको इकोनॉमिक, भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत सफलता मिलती है। तो एनपीटी की साइन करने की बात होती है, तो एनपीटी तो जैसा हमारी विदेश नीति शुरू से रही है कि डिस्क्रिमिनेटरी है, ये रूल खुद उनपे अपने आप पे क्यों नहीं हो लागू करते? बिल्कुल सिन्हा जी, आपके पास आऊंगी। हमारे साथ इस वक्त कमल मित्रा चिनॉय साहब जुड़ गए, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। चिनॉय साहब आपका स्वागत है। चिनॉय साहब, चीन की चिंता किस बात को लेकर है? भारत का जो दबदबा, भारत की जो मजबूती बढ़ती जा रही है, चीन ने भी ये संकेत दे दिया है कि भारत इतना मजबूत हो रहा है जिससे चीन को भी चिंता है? चिनॉय साहब आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बोलिए जी। आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि चीन को किस बात को लेकर चिंता सता रही है, चिढ़ क्यों रहा है भारत से। एनएसजी के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, भारत अमेरिकी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, भारत जापान रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वियतनाम से जो समझौता हो रहा है, चीन को आखिर चिंता किन बातों को लेकर है? देखिए, चीन के साथ जो मामला है वो अक्सर ये है कि उनके जो सीमाएं थी जी, उन्होंने जो अंग्रेजों ने सीमा उनके लिए बनाई उन्होंने नहीं मानी, और भारत की जो सीमा अंग्रेजों ने मनाई भारत ने मान ली। तो करीब 1959 से काफी तनाव हुआ है और एक स्कर्मिश हुआ है, झगड़ा हुआ है, और तो हर मौका चीन को मिलता है वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो सीमा भारत कैरी उनकी है वो सीमा भारत की नहीं है, वो सीमा सीमा में दखल है। जी चिनॉय साहब, ऐसा क्यों होता है कि पड़ोसी धर्म सिर्फ हमारी तरफ से ही निभाया जा रहा हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, हमें फिर जवाब देना पड़ता है, चीन की तरफ से घुसपैठ की जाती है, उसे हमें रोकने की कोशिश करना पड़ता है, ये मजबूरी हमारी है या चीन की जबरदस्ती है? नहीं, यदि आप उत्तर में, चीन के उत्तर में देखें जी, साउथ चाइना सी वगैरह, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, जापान, सबके साथ चीन के झगड़े हैं सीमा के ऊपर, ये नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ है। जी, लेकिन भारत से क्या डर सता रहा है? भारत का जो दबदबा बढ़ रहा है, क्या इस बात को लेकर चिंतित है चीन? नहीं, वो भाई भारत उभर रहा है, भारत की जो शक्ति है वो काफी बढ़ गई है, हमारा जो फौज है वो काफी मजबूत है, और आर्थिक स्थिति यदि देखे तो भारत की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है, तो चीन चाहता है कि भारत को थोड़ा दबा के रखे कि वो चीन के लिए बाद में एक मजबूत फैसला नहीं करना पड़े, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब तक भारत दबा हुआ है चीन को कोई पूछने वाला नहीं होगा इस इलाके में। जी चिनॉय साहब, ट्रीटी का जब जिक्र किया जाता है तब भी यही कहा जाता है कि देखा जाए तो एक तरह से वो चाइना के ही हाथ में है, जैसा चाहे वो ट्रीट करती है उसे, और घुसपैठ जिस तरह से लगातार बढ़ता है चाइना की तरफ से, हालांकि समझाया जब जाता है उसे मान भी लिया जाता है। देखिए, घुसपैठ तो एक पूरे दिन जाते, जब शी जिनपिंग भी आए थे तो जी, पार्टी के फौजी कमेटी के अध्यक्ष है, फिर भी उनके होते हुए भी कुमार पे ये लोग घुस गए, तो ये इनका छेड़ने का, हमें सताने का तरीका है, और बाकी दुनिया को वो दिखा रहे हैं कि भारत कितना भी मजबूत हो, कितना भी शक्तिशाली हो, हम उसको। जी चिनॉय साहब, हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी कई बदलाव हमने देखे हैं, लेकिन क्या सरकारी नीतियां इस तरह की होती हैं कि डिफेंस की तरफ से, हमारी सेना की तरफ से कोई एक बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता है, कोई इस तरह से जवाब नहीं दिया जा सकता, एक स्वतंत्रता वहां पर नहीं है? देखो, काफी स्वतंत्रता है, अभी भी
ये स्थिति नहीं है कि चीन हम पे हमला करे। यदि आप जो हैंडरसन ब्रुक्स पीएस भगत की रिपोर्ट थी उसको देखें, वो गुड रिपोर्ट है मगर वो अपलोड हुआ था पिछले साल, तो उसमें जो कमजोरी थी भारत फौज में उन कमजोरी को लगभग ठीक किया गया है। और भारत की शक्ति सिर्फ सैनिक शक्ति नहीं मगर आर्थिक शक्ति भी, सामाजिक शक्ति, भारत की जो दोस्त है, मित्रता है, आखिर में चीन का सबसे पक्का दोस्त रूस है, मगर भारत का भी पक्का दोस्त है, हमें इतिहास देता रहता है जी। तो चीन बस ये उनकी आदत हो गई है जी। वो सब दबदबा करे। एक बार उन्होंने करीब 28 साल पहले वियतनाम पर भी हमला किया जी, उन्होंने पहले मदद किया। चीन की चिंता इस बात के साफ संकेत दे रही है कि भारत अपना दबदबा बढ़ा रहा है जिससे चिंतित हो गया है चीन। चनाय साहब आप हमारे साथ जुड़े रहे, अभी नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।